बरेली मंडल में इस बार गेहूं की खरीद काफ़ी सुस्त है और हम इस वक्त मौजूद हैं डेला पीर मंडी में और आप देख सकते हैं यहां का नज़ारा, यहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा आज नहीं बल्कि पिछले 45 दिनों से इसी तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहां पर बिल्कुल भी खरीद नहीं हो रही है। ये गेहूँ क्रय केंद्र है डेला पीर मंडी, बरेली की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर भी हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले 45 दिनों में 1% खरीद भी नहीं हुई है। यहाँ जो गेहूँ क्रय केंद्र के प्रभारी हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार नाम है सर। संजीव जी, ये बताइए क्या स्थिति है इस बार की? इस साल साहब किसान ही नहीं आ रहा सर, बहुत परेशानी है। हम लोग ड्यूटी देते हैं, सुबह से आते हैं, शाम को जाते हैं 6 बजे, तो किसान ही नहीं आता, कोई पूछने तक नहीं आता। ये किसान आया, हमने गेहूँ तोड़ ली उसकी 24.5 क्विंटल मात्र। पिछले साल अगर आज तक की बात की जाए तो कितना गेहूँ खरीदा होगा? पार साल तो अच्छा खासा सब गेहूँ खरीदी, जगह नहीं थी यहाँ पैर रखने की, पैर रखने की जगह नहीं। तो इस बार क्या वजह है? इस साल साहब मार्केट महंगी है। सरकारी रेट क्या है? 2015 है सर। अच्छा, हाँ जी। और मार्केट में महंगा बिक रहा है? मार्केट महंगा बिक रहा है, जैसे वैसे किसान नहीं आ रहा है। इसी बार किसान नहीं आ रहा है, किसान को तो पैसा फालतू मिलेगा, कौन आएगा किसान? यहाँ साहब 20 रुपये चलने की भी देगा, छनाई कराएगा। अच्छा, ये 20 रुपये देता है किसान, जो लेबर होती है उसको 20 रुपये देता है, तो इसे छनाई होती है, तो उसका 1-2 क्विंटल लेकर गया तो उसका नुकसान हो गया नहीं हो गया, ये चेक कर रहे हो। तो फिर ये बताइए, अगर सरकारी गेहूँ नहीं खरीदा जाता तो किस तरीके की समस्या खड़ी हो सकती है? ये समस्या है सर, और क्या है बताइए। गवर्नमेंट कितनी परेशान है, गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, जो बाहर माल, जो व्यापारी माल जा रहा है सर, उसको पाबंदी लगाए। अच्छा, बिल्कुल पाबंदी लगाए तो हमारे पास सेंटर भी क्यों आएगी? जब किसान की मार्केट महंगी नहीं बिकेगी, अब मद्दा कराओगे तो काम होगा हमारा, ये है सर। तो देखा आपने क्या स्थिति है कि जो गेहूं के क्रय केंद्र हैं वहां पर सन्नाटा पसरा है। पिछले 45 दिनों में 1% करीब खरीदारी हुई है। ये हाल बरेली का नहीं बल्कि पूरे के पूरे बरेली मंडल का है। स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि सरकारी गेहूं खरीद अगर नहीं होगी तो सरकारी जितने भी क्रय केंद्र हैं उन पर सन्नाटा तो पसरेगा ही, साथ में जितने भी गोदाम हैं FCI गोदाम, वो भी खाली के खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार के पास जब राशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देश के हालात भी अच्छे नहीं दिखाई देंगे। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।